नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल अप के साथ। मैं हूं रीना। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को विशेष स्थान प्राप्त है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा भी तुलसी के पौधे के बिना अधूरी है। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने से, दीपक जलाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जितना महत्व तुलसी के पौधे का है, उतना ही महत्व तुलसी की सुखी पत्तियों का भी है। अगर इन पत्तियों के कुछ उपाय कर ले जाए तो इससे सौभाग्य के साथ धन दौलत में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं तुलसी की सूखी पत्तियों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की सूखी पत्तियां भी बेहद प्रिय हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को की कृपा पाने के लिए तुलसी की पत्ती का प्रयोग कान्हा को भोग में दे सकते हैं। बता दें कि तुलसी की पत्ती का प्रयोग 15 दिन तक किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते समय तुलसी की सूखी पत्तियां डाल सकते हैं जल में। मान्यता है कि अगर तुलसी के सूखे पत्तों को पानी में डालकर स्नान करेंगे तो इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी की सूखी पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद उसे तिजोरी या अलमारी में रख दें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तुलसी की सूखी पत्तियों को गंगा जल में डालकर घर में चारों तरफ छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।